जैसे की परंपरा अतिथि सत्कार की रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय विधायक महोदय का स्वागत करने के लिए साला के प्रधानाचार्य गिरवर सिंह जी राठौर और व्यवस्थापक महोदय श्री गोकुल जी सापोला से निवेदन करूंगा कि वो माला अर्पण कर और साफा पहनाकर माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें और आप जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए माननीय विधायक महोदय का। आचार्य जी से निवेदन और आप जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। व्यवस्थापक महोदय जी से निवेदन कि वही और साफा पहनाकर माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। स्वागत कीजिए विधायक महोदय का। श्री सीताराम जी बोगरिया से निवेदन कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें और रविशंकर जी सापोला को डायरेक्टर इंग्लिश मीडियम स्कूल सरस्वती के निवेदन है कि वो साफा पहनाकर अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। उपसभापति महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर और उनका स्वागत करें और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे व्यवस्थापक महोदय श्री गोकुल चंद जी सापोला। तालियों की गगड़ा जेडाराम जी यादव साहब का स्वागत करेंगे श्री सदाम जी और नरेंद्र जी भारी। जोरदार ताली से वादन कीजिए। श्रीमान गुलाब चंद जी ACBO विदास का स्वागत करेंगे श्री गोकुल चंद जी चापोला और प्रधानाचार्य श्री गिरवर सिंह जी राठौर साहब। जोरदार तालियों से वादन कीजिए। श्रीमान विक्रम सिंह जी राठौर पंचायत समिति सदस्य सुजानगढ़ का स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र जी भारी और सदाम जी। जोरदार ताली से वादन कीजिए माननीय पंचायत समिति सदस्य सुजानगढ़।
श्री कैलाश चंद जी से निवेदन कि वो रामलाल जी पांडे जी का स्वागत करेंगे। श्री कैलाश चंद जी, पवन जी पारिक साहब का स्वागत करेंगे। श्री गोकुल चंद जी छाबोला, कटार सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री गिरोर सिंह जी राठौर साहब, कटार सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री गिरोर सिंह जी राठौर, केदारी जी महिला का प्रधानाचार्य जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। केदारी जी महिला, करने राम जी मारोटिया का स्वागत करेंगे। श्री रविशंकर जी छापोला, रामदेव जी छापोला का स्वागत करेंगे। श्री रजत जी भार्गव, रामदेव जी छापोला साहब का स्वागत करेंगे। श्री रजत जी भार्गव, मुकेश जी शोकर साहब का स्वागत करेंगे। श्री कैलाश चंद जी, कुंचन जी छापोला, ताला के प्रधानाचार्य श्री गिरोह सिंह जी राठौर साहब, जोरदार श्रीमान सरवण जी कांस्टेबल साहब पुलिस थाना विदासर का स्वागत करेंगे। श्री गोकुल चंद जी छापोला, भगवान जी बोगुरिया से निवेदन है कि वंश में पधारे। अशोक जी कांस्टेबल साहब का स्वागत करेंगे। श्री रविशंकर जी छापोला, श्रीमान भगवान राम जी बोगरिया से निवेदन है कि वो माननीय विधायक साहब का माल्यार्पण अर्पण कर स्वागत करें। श्रीमान भगवान राम जी बोगरिया, भगवान राम जी माननीय विधायक महोदय को माल्यार्पण अर्पण का स्वागत करूं। आप जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। रूपाराम जी सरपंच दुमका से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। जोरदार ताली से अभिवादन कीजिए माननीय कुटिया राजा का कि वो हमारे बीच में पधारे हैं और उनसे निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। सरपंच साहब मंच पर आ गए हैं और उनके स्वागत के लिए मैं गिरोह सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सरपंच साहब का स्वागत करें। जवाहर सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री गोकुल चंद जी छापोला,
मोहन जी छापोला साहब का स्वागत करेंगे। श्री रजत जी भार्गव आपका स्वागत करेंगे। श्री गिरोर सिंह जी राठौर साहब हमारे विद्यालय में जब भी छोटे और बड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमेशा तत्पर तैयार रहने वाले श्री रमेश जी किरोड़ीवाल का स्वागत करेंगे। श्री गोकुल चंद जी छापोला जोरदार ताली से अभिवादन कीजिए आप। स्वागत की अगली कड़ी में मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें श्रीमान कुटिया राजा का और सापा पहना कर स्वागत करें श्री व्यवस्थापक महोदय गोकुल चंद जी छापोला साहब। एक बार समझ लीजिए अरुण जी तिवेड़ी साहब का स्वागत करेंगे माननीय व्यवस्थापक महोदय श्री गोकुल चंद जी छापोला साहब। नंद किशोर जी लोहिया का स्वागत करेंगे श्री गिरवर सिंह जी राठौर उपसभापति नगर पालिका मंडल बिदास। खाली जी बल्कि का स्वागत करेंगे श्री गोकुल चंद जी छापोला साहब पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंडल बिदास। राजेंद्र जी शर्मा SHO साहब का स्वागत करेंगे श्री गिरवर सिंह जी राठौर साहब। कली जी पत्रकार महोदय मनोज जी सिंगाडे साहब का स्वागत करेंगे श्री रविशंकर छापोला। हसराज जी छापोला का स्वागत करेंगे श्री गोकुल चंद जी छापोला साहब पूर्व सरपंच डायरेक्ट कुमारा। जोरदार ताली से अभिवादन कीजिए पूर्व सरपंच साहब का। चोकरण जी नारायण का स्वागत करेंगे श्री गोकुल चंद जी छापोला। करेंगे श्री नरेंद्र जी भारी। रमेश जी छापोला का स्वागत करेंगे श्री सदाम जी सर। श्री रमेश जी छापोला रमेश जी छापोला साहब का स्वागत करेंगे श्री सदाम जी सर।
आए हुए अतिथियों के माल्यार्पण कर और सापा पहनाने के बाद विद्यालय की बहनों द्वारा स्वागत गायन से आए हुए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। आपके दर्शन पाकर के बदले अपने सितारे हैं, अपने इस आंगन में स्वागत है, स्वागत है। मात पितलक लगा कर के पुष्प अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। पारंपरिक खेल इस विद्यालय में आज माननीय विधायक महोदय और उनके अन्य मेहमानों के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं माननीय विधायक महोदय जी से और प्रधानाचार्य जी और व्यवस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि मां शारदा का दीपक प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इस कबड्डी कोर्ट का शुभारंभ करें माननीय विधायक महोदय और एसीबीओ साहब और बोगरिया चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम श्री जुगल किशोर जी प्रजापत पूर्व प्रधानाचार्य रिटायर प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी का स्वागत करेंगे हमारे शाला के प्रधानाचार्य श्री गिरोह सिंह जी राठौर साहब। जीरो 717 एक डिजायर गाड़ी है जो 20 रस्ते में खड़ी है, आवागमन बाधित हो रहा है। अध्यक्ष नगर पालिका मंडल विधा सर विधायक श्रीमान मनोज कुमार जी और समाज सेवी श्री कुटिया राजा एसीबीओ साहब से निवेदन है कि वो कबड्डी कोर्ट में खिलाड़ियों से परिचय कर आज इस कबड्डी मैच का शुभारंभ करें। सीताराम जी वो कबड्डी कोर्ट का उद्घाटन करें। विक्रम सिंह जी राठौर साहब Thank you.
फिर कैप्टन आ जाओगे दोनों फोटो वो रुमाल वो पड़ गया हम सी आई फोटो सामने का थोड़ी अच्छी भी अच्छी गई थी हां आप बोलो हेड टू हेड है हां टेल विन टोस मैच का शुभारंभ माननीय विधायक महोदय के द्वारा कॉइन उछाल के किया गया, इसमें भगत सिंह टीम ने टॉस जीता और पहले रेड डालने का फैसला किया है। तो जोरदार तालियों के साथ इस मैच की शुरुआत इस मैच के रेफरी श्री रोहित जी जागीर और नरेंद्र जी भारी श्री विजय के बैठा था महोदय के द्वारा ये मैच करवाया जा रहा है। आनंद लीजिए शानदार मैच का। बैठे हुए दर्शकगण तालियों की गड़गड़ाहट से स्टार्ट करें, इनका खिलाड़ियों का हौसला जाहिर करें। कबड्डी हमारे राजस्थान की शान के रूप में है क्योंकि इसकी उत्पत्ति वैसे राजस्थान से ही मानी जाती है पर आजकल तो ये मूल हरियाणा में ज्यादा है। क्लैपिंग के साथ अच्छी इनका हौसला जाहिर करते रहे अच्छी पकड़ की। ये विधायक साहब देख रहे हो आप कि ये कॉर्नर का कैचर है जिन्होंने आते ही खिलाड़ी को जीत कर दिया। कबड्डी फुर्तीला गेम है न कि ताकत का। इसमें रेफरी डिसीजन ले 1 पॉइंट भगत सिंह टीम के द्वारा बैठा और ये आगे से घेर लिया और लॉबी के अंदर फॉल अभी बॉन्स पॉइंट नहीं मिलेगा। बॉन्स पॉइंट है वो नहीं मिलेगा दो खिलाड़ी पे। अभी भगत सिंह में रेड के लिए एक ही प्लेयर है और ये आउट। ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं स्कूल से विद्यार्थियों के ध्यान में बिठाई जाती है क्योंकि
खेल किसी का टैलेंट खेल में होता है, किसी का संगीत में, किसी का डांस में, तो प्रत्येक क्षेत्र विद्यार्थी के लिए खुला रहता है और विद्यालय ही उनको जीवन में आगे बढ़ने की यहाँ से ही एक मंच के द्वारा प्रेरणा मिलती है। अभी सुभाष चंद्र बोस टीम है वो पॉइंटों में आगे है, भगत सिंह के खिलाड़ी। आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी स्टूडियो विदा सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।